ऑपरेशन रेस्क्यू के तहत पुलिस ने गंगा जमुना में देह व्यापार करने के लिए धकेली गई 12 युवतियों को मुक्त कराया। इनमें 8 नाबालिग हैं। इस मामले में पुलिस ने 5 FIR दर्ज की है, साथ ही 110 लोगों को आरोपी बनाया गया है। शुक्रवार को पुलिस जिमखाना में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में अपर पुलिस आयुक्त अपराध शाखा सुनील फुलारी ने बताया कि कार्रवाई को अंजाम देने के लिए क्राइम ब्रांच के DCP गजानन राजमाने के मार्गदर्शन में अपराध शाखा व लकड़गंज पुलिस स्टेशन के 125 अधिकारी व कर्मचारियों की एक टीम बनाई गई थी। इस टीम ने पूरी तैयारी के साथ गुरुवार को कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस दौरान बिल्डिंगों के मालिक, दलाल और ग्राहकों पर मामला दर्ज किया गया। गिरफ्तार कुल 110 आरोपियों में से 87 महिला, 23 पुरुष आरोपी है। अभी मामले की जांच चल रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि नाबालिग बालिकों को इस धंधे में किसने धकेला, इसके पीछे की गिरोह की तलाश की जा रही है। मामला दर्ज होने के बाद कई आरोपी फरार है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। कार्रवाई के पीछे मकसद अनैतिक व्यापार पर लगाम लगाना था, साथ ही इस कारोबार में झोंकी गई महिलाओं को रेस्क्यू करना था। उल्लेखनीय है कि गंगा जमुना बस्ती हमेशा ही देह व्यापार और अपराधियों की शरण स्थली के लिए पहचानी जाती है। बस्ती में 100 से अधिक अड्डे है जहाँ देह व्यापार पार किया जाता है। नाबालिगों की अधिक मांग होने से बड़ी संख्या में उन्हें देह व्यापार के कुएं में धकेला जाता है। संकरी गलियां और भागने के गुप्त मार्ग होने से पुलिस को कार्रवाई के दौरान नाबालिग नहीं मिलती है। इसे देखते हुए क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन रेस्क्यू बनाया। पुलिस ने गंगा जमुना बस्ती का नक्शा बनाकर सभी मार्ग को ब्लॉक करने की योजना बनाई थी। पुलिस ने गंगा जमुना के सभी मार्गों को बाहर से ब्लॉक कर दिया। गुरुवार की दोपहर 2 बजे DCP गजानन राजमाने लोहित मतानी के मार्गदर्शन में लक्कड़गंज के PI पराग पोटे, क्राइम ब्रांच के विनोद पाटिल, किशोर पर्वते की अगुवाई में अधिकारी और कर्मियों के अलग अलग समूह बनाकर देह व्यापार के अड्डों पर छापा मारा गया। अचानक हुई इस कार्रवाई से बस्ती में भगदड़ मच गई। देह व्यापार से जुड़े महिला और पुरुष ग्राहक भागने लगे, लेकिन पुलिस की घेराबंदी से इक्का दुक्का ही बच निकले। अधिकांश अड्डों में लोहे के मजबूत दरवाजे हैं। पुलिस के अनुरोध करने पर भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला, जिसके बाद पुलिस ने दरवाजे तोड़ने आरंभ किए। शाम तक अधिकांश अड्डों के दरवाजे तोड़कर आरोपियों को हिरासत में लेकर महिला को मुक्त किया गया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट, NBCN न्यूज नागपुर। अनैतिक व्यापार साठी प्रसिद्ध है। इथे आमचे DCP क्राइम राजमाने आणि DCP झोन 3 लोहित मतानी यांच्यासोबत क्राइम ब्रांचचे 5 युनिट्स, पोलीस स्टेशन लकड़गंज आणि झोन 3 कर्मचारी असे एकूण 5 टीम बनवण्यात आल्या होत्या। याच्यामध्ये 50 अंमलदार आणि 21 अधिकारी यांचे 5 टीम बनून गंगा जमुना भागाचे सर्चिंग आणि रेस्क्यू ऑपरेशन करण्यात आले। ही कारवाई अत्यंत गोपनीयतेने आणि सगळ्या प्रकारचे मानवी हक्कांचे पालन करून करण्यात आलेली आहे। यामध्ये 5 गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत पोलीस स्टेशन लकड़गंज येथे। त्याच्यात ग्राहक आणि दलाल असे एकूण 110 आरोपी निष्पन्न झालेले आहेत। तिथे अनैतिक व्यापारात इन्वॉल्व असलेले एकूण 23 पुरुष आरोपी आहेत, 77 महिला आरोपी आहेत आणि यामध्ये 12 महिलांना रेस्क्यू करण्यात आलेले आहे। त्याच्यामध्ये 8 अल्पवयीन महिला आहेत, हे महत्त्वाचं आहे। आणि या अनैतिक प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी या सगळ्या आरोपींना अटक करून पुढे त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल आणि अनैतिक व्यापारास प्रतिबंध करून नेस्तनाबूत करण्यात येईल अशी भूमिका आहे। यासाठी मी माझे झोन 3 DCP सविस्तर माहिती की कल जो रेड हुई थी उसमें 21 अधिकारी एवं 50 से ज़्यादा कर्मचारी इन्वॉल्व थे और उसमें 5 FIR दाखिल हुई हैं गंगा जमुना एरिया में। टोटल 10 बिल्डिंग में रेड की गई थी और उनमें से 77 महिला आरोपी बरामद हुई हैं और 25 जो कस्टमर्स थे उनको अरेस्ट किया गया है। उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिनमें से 8 माइनर हैं और 4 मेजर हैं, लेकिन वो भी अभी मतलब ज़्यादा बड़े नहीं हैं, अराउंड 18 से 25 के बीच में है, तो वो भी कुछ टाइम पहले माइनर रहे होंगे। और इसमें जो बिल्डिंग के ओनर्स हैं ऐसे 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है एवं जो वो बिल्डिंग को चलाने वाले जो पिंप हैं उनको भी आरोपी बनाया गया, ऐसे 9 लोग हैं। टोटल 10 + 9 = 19 लोग ऐसे हैं जो अभी फरार हैं। और ये जो कार्रवाई की गई है इसमें पीटा एक्ट के साथ साथ कलम 370
जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का माइनर है वो लगाया गया है और पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया है। तो इसमें आगे तपास में और चीज़ें निष्पन्न होंगी, क्योंकि ये एक तरीके से ऑर्गेनाइज वे में ह्यूमन ट्रैफिकिंग वहाँ पे चल रही थी, तो उस प्रकार से तपास किया जाएगा।